الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد المجيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدر عالی وقار حضرات علماء کرام معزز حاضرین ذمہ داران مسجد منہاج و مدرسہ منہاج الاسلام اور مختلف مساجد و مدارس اور دیگر تحریکات کے ذمہ داران عزیز طلبہ منہاج مسجد میں قائم مدرسہ منہاج الاسلام کے تیسرے جلسے دستار بندی میں حاضر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہ نے ہم سب کے سامنے مختصر قیمتی اور فکر انگیز خطاب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صدر اجلاس حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ ولی اللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے خطاب سے بھی ہم سب استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. مجھے مختصر دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بندوں پر اور ہم سب کے اوپر بے شمار، ان کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، شمار نہیں کر سکتے ہیں. بیٹھ جائیں بھائی، چھوڑ دیجیے ہم چکر میں مت پڑے. نعمتوں کا تذکرہ جو ہے سورہ رحمان میں ہے. سورہ رحمان ابھی حضرت سنا رہے تھے، لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں. تراویح کا اہتمام نہ کرنے والے بھی 15 رمضان کے بعد پوچھنا شروع کر دیتے ہیں سورہ رحمان کا بارہ ہے تراویح میں، کیا کرو گے بھائی؟ نہیں، وہ سننے میں اچھا لگتا ہے، یقیناً اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا؟ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا پیش کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر دو چار انعامات کے بعد سوال کیا ہے، اے انسانوں اور جنات تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری میری نعمتیں ہیں، جھٹلاؤ گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ جھٹلاتا نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس نعمت کو نہیں مانتا. جھٹلانے کا مطلب ایک اور ہے،
वो मतलब ये है कि जबान से तो इनकार नहीं करता लेकिन अमलन उस पर अमल भी नहीं करता, उस पर अमल भी नहीं करता। नमाज फर्ज है जी, फर्ज है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, ये न पढ़ना भी उस रुकन को झुटलाने के बराबर। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मानते हो कि दिन में 5 नमाज पर तबा नमाज फर्ज है, पढ़ते क्यों नहीं, ये न पढ़ना अमलन झुटलाना। बाप ने बुला करके कहा भाई बाजार चले जाओ, वो बच्चा कहता ठीक है चला जाऊंगा लेकिन गया नहीं। शाम में अब्बा ने पूछा बेटे बाजार गए थे, वो सामान लाना था, नहीं गया नहीं कल को जाऊंगा। कल फिर अब्बा ने पूछा नहीं जाऊंगा, जा नहीं रहा है और कह रहा है कि जाऊंगा, बाप का हुक्म मानते नहीं, मानूंगा लेकिन जा नहीं रहा है तो वो फरमा बरदार शुमार नहीं होगा ना फरमान। तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार इनामात का जिक्र फरमाते हैं, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ऐ जिन्न और इंस मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बेशुमार नेमतें हैं, 30 पर 3 मर्तबा, 33 मर्तबा ये सवाल उस सूरत में दोहराया गया। ये आयत बार बार क्यों आई है, हर मर्तबा चंद नए इनामात का जिक्र है। उन नए इनामात से मुतालिक अल्लाह पूछते हैं कि बताओ इन नेमतों को तुम झुठलाओगे। तो एक तो जबान से झुठलाना, एक अमल से। जबान से तो झुठलाते नहीं, मुतालबा है अमल से भी ना झुठलाओ। नंबर 1 पर इनाम क्या रखा, नंबर 1 पर इनाम ये रखा है अर रहमान, ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम है, बड़े मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमान में भी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान में भी है, ये बार बार आता रहेगा कुरान मजीद में अर्रहमान। कुल इदउल्लाह अबिदउर्रहमान, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। अल्लाह के बेशुमार नाम है, जाती नाम भी है, सिफाती नाम भी है, जिस नाम से चाहो पुकारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान ये नाम बहुत ज्यादा पसंद है। आज लोग अजीब गरीब नाम रखने लगे, सब नेट से निकालते हैं मटेरियल, उस नेट में जो है इस्लाम के दुश्मनों ने बेशुमार मटेरियल दाब रखा, गैरों ने, इस्लाम के मुखालिफों ने इस्लाम के नाम पर बहुत सारा मवाद मटेरियल नेट में। जैसे हमारे अंदर जो है इस्लाम के नाम पर बहुत सारी चीजें दाखिल कर दी गई, इस्लाम समझ के किया जाता है, बिदात है, खुराफात है, रुसूमात है, हर महीने की अलग अलग रस्म है, हर महीने के अंदर अजीबोगरीब बिदात है और लोग उसको मजहब समझ के करते हैं, वो मजहब नहीं है, वो मजहब के नाम पर पैरों की तरफ से इस्लाम में दाखिल कर दिया गया है। पहचानने की जरूरत है, उलमाए हक से मालूम करने की जरूरत है, जो खालिस इस्लाम है अमली जगह उसको दे, अमल उस पर करे, जो दाखिल कर दी गई है चीजें मिलावट कर दी गई है उसको अलग करे। तो नामों के अंदर भी बहुत सारे नाम मिला दिए गए, लोग कहते कोई नया नाम चाहिए, लोग आते नया नाम चाहिए। भाई हमारा इस्लाम तो 1450 साल पहले आया है, जितने नाम हो सकते थे इस्लाम में वो सारे नाम अल्लाह के नबी ने पेश कर दिए हैं, नया नाम कहां से लाए, क्यों नया नाम चाहिए, वो पुराने नामों से बेजार हो गया है। अभी नमाज में भी तो कुरान पढ़ते पढ़ते 1450 साल हो गए, नया कुरान लाइए, नया कुरान पढ़ा जाएगा नमाज में। जब से अकल आई नमाज पढ़ने का तरीका एक ही है, उसको बदलो, पुराना हो गया नमाज का तरीका बदलो, कुरान बदल दो। सोच जो है इस्लामी नहीं, इस्लामी सोच ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किया वो मजहब है, वो इस्लाम। और 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने पेश कर दिया। और हमारी कामयाबी, हमारी सलामती, हमारी तरक्की, हमारा उरूज कौन बात कर रहे हैं भाई? हे भाई खामोश। हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की उसी नबी के पेश किए गए तरीके में, नई चीजें तलाश करने जाएंगे गुमराही में चले जाएंगे। तो अब रहमान से शुरू किया। अब रहमान दूसरी आयत क्या है? सबसे बड़े इनाम को जिक्र किया, वो इनाम ये है अल्लमल कुरान, कुरान सिखलाया। ये कुरान का सिखलाना नबी को सिखलाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और नबी के सदके में हम लोगों को सीखने का मौका मिला। नबी ने सहाबा को, सहाबा ने ताबीईन को, वो सिलसिला चला। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सिखलाया। ये क्यों कह रहे हैं? ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये मामूली कलाम नहीं है जो मेरी और आपकी कमजोर जबान पर जारी हो जाए। बहुत बड़ा कलाम। कितना बड़ा है? हमारे पास बहुत छोटी अकल है, अल्लाह का कलाम उसमें नहीं आ सकता। अल्लाह जितने बड़े हैं उतना बड़ा उनका कलाम। अल्लाह की बड़ाई हमारे अकल में नहीं आ सकती। वो हर जगह मौजूद है, हर चीज को देख रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं। वो बहुत बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे पहले कोई नहीं, उनके बाद कोई नहीं। अल्लाह का कलाम भी वैसी सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई कलाम। लिहाजा दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें हैं और हर किताब के पढ़ने वाले मौजूद हैं दुनिया में। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें पढ़ी जाती हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, और ये अल्लाह का कलाम भी पढ़ते हैं। ये पढ़ने वाले जो तबके हैं, तलबा का तबका, स्टूडेंट का तबका, इस तबके में सबसे बड़े कौन है पढ़ने वाले? सबसे बड़ी किताब जो पढ़ रहे हैं पढ़ने वालों में वो सबसे बड़े। ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, सबसे बड़ी किताब पढ़ रहे, ये सबसे बड़े हैं दुनिया के तमाम पढ़ने वालों में। इनसे बड़ा कोई नहीं। चाहे वो डॉक्टरी की किताब पढ़े, चाहे वो वकालत की, चाहे वो इंजीनियरिंग की, वो सारी किताबें इंसानों की लिखी हुई है। ये कलाम, ये अल्लाह का कलाम है, आसमान से नाजिल हुआ, इंसान का लिखा हुआ नहीं। वो सारी किताबें आप बगैर वुज़ू के हाथ उठा सकते हैं, बगैर वुज़ू के हाथ लगा सकते हैं। दुनिया का ये वाहिद कलाम है जिसको आप हाथ लगाना भी चाहे, आप गुसल से भी हो, आप वुज़ू से भी हो, तब जाके आपको हाथ लगाने की इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल करता, पहाड़ बहुत बड़ी मखलूक है, अल्लाह फरमाते अगर मैं पहाड़ पर इस कलाम को नाजिल करता तो इस कलाम के सिकल से, बोझ से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहले जमाने में नाहली बनाते थे गद्दा, वो बनाने वाले सैकड़ों में फिरते हैं, वो जब रुई ढूंढते हैं, अब तो मशीनों में ढूंढी जा रही है, पहले वो हाथ से ढूंढते थे, तो रुई के दर्रात फिजा में होते थे, सांस के जरिए अंदर चले जाते, मुंह में चले जाते, अब पूरी फिजा सफेद नजर आती, वो जर्रात थे रुई के। ये पहाड़ इस तरीके से फट करके फिजा में उड़ता हुआ नजर आता। कलाम अगर उस पर ना, कलाम के जिम्मेदारों ने ये जलसा मुनाकिद किया, जशन किया कि अहम मकसद इस जलसे का हुफ़ाज़े किराम की तबरीक है, इनको मुबारकबाद पेश की जाए और इनका एहसास और इकराम किया जाए। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन अजीज बच्चों को इस सआदत के पाने पर मुबारकबाद पेश करें।
आमतौर से निकाह की मजलिसों में देखने का इत्तेफाक होता है कि मजलिस निकाह खत्म होती है तो लोग लाइन बनाकर खड़े होकर नौशाद से मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन दस्तारबंदी के जलसों में जहां ये हुफाज मजलिस के नौशा होते हैं, मजलिस के खत्म पर लोग इनको मुबारकबाद देना भूल जाते हैं। बजाय मुबारकबाद देने के सब दस्तर पर टूट पड़ते हैं। इसलिए आप सबको ये याद रहना चाहिए, मेरी गुजारिश भी है कि मजलिस खत्म हो तो इन बच्चों को मुबारकबाद जरूर पेश करें, मुसाफा करें, मुबारकबाद पेश करें। मैं भी इन अजीज तलबा को, हुफाज इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक के हिफ्ज की सआदत आप सबको मुबारक फरमाए। अपने अल्फाज में मुबारकबाद पेश करके मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि इन हुफाज इकराम को फरिश्तों ने भी मुबारकबाद पेश की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आसमानों और जमीनों के बनने से 1000 साल पहले, अभी आसमान भी नहीं बना था, जमीन भी नहीं बनी थी, सूरज और चांद भी नहीं बना था, कायनात और मखलूकात अभी बने नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त पर अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरह ताहा पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। अभी थोड़ी देर पहले किरत हो रही थी, तिलावत कलाम पाक हो रही थी, तो खुश इल्हान कारी ने जब अल्लाह का कलाम पढ़ा, कुरान मजीद की तिलावत की, हमें से बहुत सारों को अरबी समझ में नहीं आती, उसके बावजूद भी हम उसकी लज्जत महसूस कर रहे थे। और कोई बहुत उम्दा कारी माशाल्लाह बहुत खुश इल्हान खुश आवाजी के साथ में अल्लाह का कलाम पढ़े तो आम तौर से सुनने वाला मजमा उसके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है। आप अंदाजा करें अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू ने सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़ी तो सुनने वालों के ऊपर क्या कैफियत तारी हुई होगी। फरिश्ते थे सुनने वाले, फरिश्तों के अलावा कोई और नहीं थे, तो फरिश्तों ने अल्लाह का कलाम सुना, सूरह ताहा सुनी, सूरह यासीन सुनी, तो फरिश्तों पर वज्द की कैफियत तारी हो गई। तो फरिश्तों ने उस अजीब कैफियत के साथ में फरमाया तूबा लिउम्मतिन युनज़लु अलैहा हाज़ा, मुबारकबाद हो उस उम्मत पर, उस उम्मत के लिए इस उम्मत पर अल्लाह का ये पाकीज़ा कलाम उतारा जाए। तूबा लिअलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, मुबारकबादी हो उन जुबानों के लिए जिन जुबानों से अल्लाह का ये पाकीज़ा कलाम पढ़ा जाए। और अखीर का जो जुमला फरिश्तों ने फरमाया, मैं उस जुमले को अपने नज़ीर हुफ़ाज़े किराम के नजर करना चाहता हूँ। ये फरिश्तों ने कहा तूबा ली अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, खुश नसीब हैं वो सीने जिन सीनों में अल्लाह का ये पाकीज़ा कलाम उठाया जाए। तो फरिश्तों ने इनको मुबारकबाद पेश की है। मैं इस मौके पर अपने नजीज तलबा से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप हाफिज़े कुरान तो बन चुके हैं, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से सआदत और खुश नसीबी है, लेकिन अपनी इस दौलत की हिफाजत भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद है जो बार बार ऐसे मौकों पर जरूर सुनाया जाता है कि कल कियामत के दिन इन हुफाज़े कुरान से कहा जाएगा, जो कालो ली साहिबिल कुरान, हाफिज़े कुरान से कहेंगे इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया,
कहीं मंजिल कहीं तहाफी आयत इन तकरब होगा कि पढ़ते जाओ जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो आखिरी आयत है जिस पर तुम पढ़ोगे। यहां एक और करने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि तुम्हारी आखिरी मंजिल कुरान की आखिरी आयत है, ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि तुम्हारी आखिरी मंजिल वो आखिरी आयत है जिसको तुम पढ़ोगे। इसका मतलब उलमा ने बयान किया है कि अगर कुरान से रिश्ता कमजोर पड़ जाए, हाफिज़े कुरान तो बन गए लेकिन बाद में रिश्ता कमजोर पड़ गया, जिसके नतीजे में पूरा कुरान याद नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता सीने से कुरान निकलता चला गया, कुछ आयतें याद रह गई, कुछ मशहूर सूरतें याद रह गई, बाकी बहुत सारा तो औझल हो गया, दिलों से निकल गया। तो कल कयामत में जब ये कहा जाएगा कि इकरा वर्तकी, ये पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, तो चूंकि हाफिज कुरान थे इस वजह से पूरा कुरान नहीं पढ़ सकेंगे, बल्कि जितने से ताल्लुक था उतना ही महफूज रहेगा और बस उतनी ही आयतें पढ़ पाएंगे, तो पूरे दर्जात पर चढ़ नहीं सकेंगे, आधे रास्ते में रुक जाएंगे। एक मतलब तो ये, और जिन्होंने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखा पढ़ते रहे, माशाल्लाह कसरत तिलावत है। हमारे बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं हाफिज़े कुरान को कसरत तिलावत की आदत रखना चाहिए, और कसरत तिलावत का मतलब कम से कम 3 पारे रोजाना पढ़ने का एहतिमाम रखना चाहिए, रोजाना कम से कम 3 पारे जरूर पढ़ें। अगर कसरत तिलावत की आदत रहेगी तो इन बच्चों से आप पूछें, इनको इनके असातिज़ा ने एक आदत डलवाई हुई है, ये बच्चे हाफिज़े कुरान, आपने को देखा होगा 27वीं शब रमजान की जब होती है तो कुरान खत्म होता है, 19वीं रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के कुरान मुकम्मल करते हैं, लेकिन 20वीं रकात में अलिफ लाम मीम से दोबारा कुरान शुरू कर देते हैं। तो हाफिजों को यह आदत डलवाई जाती है कि कुरान कभी खत्म न करें बल्कि हमेशा एक नया कुरान शुरू करें। तो कयामत में जब इनसे कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते 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 औज़ु बिरब्बिन नास पर पहुंचेंगे, और जब आखिरी आयत मिनल जिन्नति वन नास पढ़ेंगे तो रुकेंगे नहीं, फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अगला कुरान शुरू कर देंगे, तो ये 6666 या कमोबेश दर्जे चढ़ चुके होंगे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अगला कुरान शुरू किया तो फिर और ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, दूसरा कुरान मुकम्मल हुआ तो तीसरा शुरू करेंगे, तो पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन मंजिल का इन आखिरी आयत इन तकरब होगा, वो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम्हारी जुबान से कौन सी आखिरी आयत निकलेगी और अल्लाह तुम्हें कहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए अपने इन अजीज बच्चों से एक गुजारिश ये कि हम अल्लाह के कलाम से रिश्ता मजबूत रखें, आप हाफिज़े कुरान हो गए हैं, आलिमे दीन बने, दाईये दीन बने, दीन से अपना रिश्ता मजबूत रखें, बल्कि दीन के लिए अपने आप को गोया फारिग कर दें, यही रास्ता है हमारे चलने का, इसी रास्ते पर अपनी मंजिल तलाश करना है, इसी रास्ते पर। लोग दीवाने जरूर कहेंगे कि वो रास्ता अपना लेते तो अच्छा था जहां माल पैसा मिलने का ज्यादा की बात, मैं इस बच्चे के लिए और इनके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ और दूसरों के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह का जज्बा अता फरमाए और इस बच्चे को और दीन दुनी राज अपनी तरफ के नसीब फरमाए। हजरत अब कुरान मजीद की मखलूक में अफजल है, नबियों में वो आला है, वो रब का दुलारा है, महबूब हमारा है, बिन देखे मोहम्मद
علامہ شامی نے ایک صاحب کا واقعہ 3 دن کا لکھا. بہرحال یہ بڑی دولت ہے, بڑی عظیم نعمت ہے, اور اس کے لیے آپ حضرات کو ان بچوں کے لیے اور خود آپ اپنے گھرانے کے بچوں کے لیے قرآن مجید کی حفظ کی ترغیب کے سلسلے میں انہیں جس طرح کا شوق دلا سکتے ہیں اس طرح کا زیادہ سے زیادہ شوق دلائے, اس لیے کہ یہ حافظ ہوں گے تو ان کی تو آخرت سنورے گی ہی, لیکن خود ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس میں کسی طرح کی سستی نہ کی جائے. اب میں